प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रविवार को बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। रविवार सुबह 12:15 बजे जेल में दाखिल हुई टीम करीब 6:15 बजे बाहर निकली। ईडी ने जुलाई में ही माफिया अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ करने के लिए न्यायालय से पिछले दिनों अनुमति ली थी। माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ के लिए रविवार को ईडी की 3 सदस्यीय टीम दोपहर करीब 12 बजे बांदा जेल पहुंची। टीम शाम 6 बजे तक बांदा जेल में ही रही और मुख्तार अंसारी से उनकी संपत्तियों, आय के स्रोतों और निवेश के बारे में पूछताछ करती रही। ईडी मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों से जुड़ी कंपनियों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। ईडी ने कंपनियों के निदेशकों, कंपनियों के जरिए होने वाले कारोबार, आय और खर्च से जुड़ी जानकारियां भी खंगाली। जेल सूत्रों के अनुसार ईडी ने मुख्तार से कंपनियों से जुड़े कुछ दस्तावेज व जानकारियां मांगी हैं। ईडी को ये जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मुख्तार ने समय मांगा। ईडी जल्द ही मुख्तार से दोबारा पूछताछ करेगी। ईडी ने मुख्तार और उनके परिवार के लोगों की सरकार की ओर से जब्त की गई संपत्तियों के बारे में पूछताछ की। ईडी ने मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज मुकदमों के आधार पर केस दर्ज किया था। ईडी मुख्तार के अलावा उनके परिजनों और गैंग के सदस्यों की संपत्तियों की भी पड़ताल करेगी और गैर कानूनी तरीके से बनाई गई संपत्तियों को अटैच करेगी।